वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। डोमेन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए तो शायद आपको समझ आए हों, क्योंकि एक्चुअली डोमेन और रेंज पर काम करने की ज़्यादा जरूरत है। आज की क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को अडॉप्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर सकते हैं। हालांकि मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से लगाने की कोशिश किया करो, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपने पिछला सब कुछ बेहतर तरीके से सीख रखा है तो निश्चित तौर पर मिसलेनियस में आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप उसे बेहतर तरीके से अटैम्प्ट ले पाएंगे। अगर ले पा रहे हैं तो मतलब पिछला अच्छे से सीखा है, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो मतलब समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग। एक्चुअली होता है कि जब एक्सरसाइज वाइज हम क्वेश्चन को अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो अब एक एक्सरसाइज जो भी हमारे पास दी जा रही है वो पर्टिकुलर किसी एक कंसेप्ट पर बेस्ड दी जा रही है, तो फिर वो कंसेप्ट पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस हैं। जब तक लगा रहे हैं तब तक लग रहा है कि बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन फिर जब वही चीज़ें मिक्सअप फॉर्म पर देखने को मिलते हैं शायद माइंड उतना शार्पली काम नहीं करता है, इसलिए मिसलेनियस को सही ट्राई किया करो। हाँ बच्चा, चैप्टर नंबर टू है मेरी बुक से है, पेज नंबर 46, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर टू की हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्या कहा? क्वेश्चन नंबर वन, फंक्शन के वेरियस टाइप मैंने आपको बताए थे, क्लासिफिकेशन बता दिया था, जिसमें बताया था कि फंक्शन दो हिस्सों में टूट जाता है, एक अलजेब्रिक होता है, दूसरा ट्रांसेंडेंटल होता है। अलजेब्रिक 5 हिस्सों में ब्रेक होता है, मोनोनोमियल, पॉलीनोमियल, रेशनल, इरेशनल एंड पीस वाइज डिफाइंड ब्रांच। आफ्टर देन ये जो सेकंड ब्रांच अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटल, ये 6 हिस्सों में ब्रेक होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आफ्टर देन लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक जब बीएससी बीटेक करेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में पढ़ेंगे, बाकी जितना मैट्रिकल बच गया है वो सब 11th में ही पढ़ना है। ये दोनों टाइप बताने के बाद भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर वन जो यहाँ पर है ये कुछ अजीब तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है fx = x² + 3x टेन, ठीक है। एक fx दे रखा है और दूसरा gx दे रखा है। दूसरा बच्चा क्या दे रखा है? gx दे रखा है। कहा जा रहा है x square and 3x is less or equals to 2 greater equals to 0 and after then x is greater or equals to 2 but less or equals to 10। आइए भैया जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों टाइप बताने के बाद भी ये टाइप हमें देखने को मिलता ही नहीं है। एक्चुअली ये कंडीशनल फंक्शन बोले जाते हैं। क्या कहा? ये कंडीशनल फंक्शन है। कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि जब x 0 से 3 के बीच में लाई करेगा तभी वो ट्रेस होगा, अदरवाइज नहीं ट्रेस होगा। यहाँ देखने को मिल रहा है कि जब x जो है वो 3 to 10 के बीच में लाई करेगा तभी ये ट्रेस होगा, अदरवाइज ट्रेसिंग इसकी नहीं होगी। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ जा रही हैं। फिलहाल हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होने चाहिए। इसके लिए बच्चे हमने क्या किया, हमने एक बार ये x = 3 यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ही हमने f3 यहाँ पर पुट किया हमें देखने को मिल जाता है 9। f3 = 9 इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं fx = yk होता है, मतलब ये x ये y, तो y के प्लेस पर ये रहा, x के प्लेस पर ये रहा, ऑर्डर पर क्या बन गया 3, 9। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी देखो, ये कंडीशन देखने को मिली है उठा करके रख दो, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है f3 = 3 × 3। दिस इंप्लाइज दैट वी गेट 3, 9। भैया कैसे? क्योंकि ये y के प्लेस पर है और ये देखो x के प्लेस पर है। x, y यही एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आप देख रहे हैं कि दोनों ही सिचुएशन में दोनों ऑर्डर पेयर कैसे आ रहे हैं? यूनिक आ रहे हैं, मतलब सेम है, मतलब यूनिक है, मतलब ये क्या है? ये एक फंक्शन है। आइए जबकि इसी क्वेश्चन में जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो x = 2 देखने को मिल रहा है, 2 को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो जैसे ही हमने पुट किया देन वी गेट दी g2। क्या कहा? g2। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये fx में f का क्या सेंस है? अगर लास्ट वीडियो देखा होगा ठीक तरीके से तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fx। फिलहाल आज के लिए ये आपके लिए होमवर्क रहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ इन द केस ऑफ द fx। हाँ, g2 की बात कर रहे हैं तभी आप g के सेंस को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। यहाँ से देखते हैं बच्चा, जब हमने g2 की बात की तो यहाँ पर जैसे ही आपने 2 रखा देन वी गेट दी 4। ये भी तो देखो x = 2 है, इसका मतलब यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है? g2 = 3 × 2 देन वी गेट दी 6। अब देखो बच्चा, जैसे y = fx होता है, y = fx है, वैसे ही gx = y भी होता है। अब अगर f की डेफिनेशन पता होगी तो तुम समझ जाओगे कि ये g h के ये सब क्या चल रहा है। यहाँ से y के प्लेस पर क्या है? y के प्लेस पर क्या है? यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है?
एक्स के प्लेस पर क्या है। चलो ये जरा कंबाइन करा देते हैं, अगर ये एक्स ये वाई तो ये बना देता है 2.4, अगर ये एक्स ये वाई तो बना देता है 2.6। देखो हमें क्या पता चल रहा है कि दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट कैसे हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। सेम को क्या पता चल रहा है कि ये बच्चा क्या होगा, ये महज एक रिलेशन होगा, ये फंक्शन नहीं है। इससे पता चल चुका है कि एफ एक फंक्शन है लेकिन जी एक फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो सेकंड, यार मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है यार, तुम लोग खुद ही कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ये तुम्हारे लिए होगा होमवर्क। ठीक है, याद रखना यहाँ पर जो एफ 1.1 है, ये पॉइंट, ये डेसिमल है, ये क्या है, ये डेसिमल है। बात समझे कि नहीं समझे, 1.1 आगे इसको कर सकते हैं। बाकी मेरा जो काम है बच्चे वो थोड़ा सा डोमेनो रेंज को क्लियर करना था, मैं एक्चुअली आज की क्लास में इसीलिए यहाँ पर हूँ ताकि डोमेनो रेंज को बेहतर तरीके से क्लियर कर पाऊँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चा क्या बात कह दी गई है, थर्ड में कहा गया है fx = x² + 2x + 1 / x² - 8x + 12। पूछ रहा है डोमेन क्या होगा। ठीक है, हाँ डोमेन पूछ रहा है, पूछ रहा है डोमेन क्या होगा। हाँ बच्चा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा बॉडी, ये जो अभी आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, इसमें फंक्शन कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। डोमेन की डेफिनेशन क्या बताई थी, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शन टू डिफाइन। फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अब डिफाइन नहीं है, इसका क्या सेंस है, इसका बच्चा सेंस होता है इन्फिनिटी। डिफाइन नहीं है, इसका सेंस क्या है, इन्फिनिटी। तो बच्चा यहाँ पर फंक्शन इन्फिनिटी कब हो सकता है, यहाँ पर फंक्शन इन्फिनिटी कब हो सकता है, जब ये डिनोमिनेटर खुद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कराने पर क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। यहाँ से बच्चा अगर हमने इसको जीरो कर दिया तो इसके देखो शायद फैक्टर्स मुझे लगता है 6, 2 सही है, 2.6। मतलब ये डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है, दो वैल्यूज पर जीरो हो सकता है। कौन कौन सी वो दो वैल्यूज रही, एक 2 और 1 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम पूरा का पूरा रियल नंबर आर दे सकते हैं, पूरा का पूरा रियल नंबर आर दे सकते हैं। क्या क्या नहीं दे सकते हैं, 2 नहीं दे सकते हैं, 6 नहीं दे सकते हैं। मतलब ये आपका क्या हो गया है, ये आपका डोमेन हो गया है। किसका डोमेन निकाला है, एफ का डोमेन निकाला है, तो शॉर्ट में लिखते हैं डीएफ। आगे देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx। कहा जा रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx √x - 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो यार ये है डोमेन, सॉरी इसे डोमेन इसमें जनरेट करना है। आप जानते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है अंडर रूट के अंदर, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सवाल यह है कि ये पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर वैल्यू कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी। कहाँ पर चली जाएगी, कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी। तो इसलिए इसका पॉजिटिव होना सबसे पहली कंडीशन है। क्या कहा, इसका पॉजिटिव होना सबसे पहली कंडीशन है। ठीक है बच्चा, यहाँ से देखो, अगर हमने कहा ये पॉजिटिव होना चाहिए तो फिर ये आ गया। अब साथ में जीरो भी हो सकता है क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है। हाँ, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चा, कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ से ये आता है x > 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो एक से बड़ा है। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यहाँ इक्वल साइन, इसलिए क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी के साथ में हमेशा ओपन इस्तेमाल होता है, इसलिए डीएफ की वैल्यू क्या आ चुकी है, क्लोज इंटरवल 1 to ओपन इंटरवल सेमी ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। आइए जरा रेंज निकालने का तरीका देखते हैं कि रेंज के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, रेंज में क्या करना है बच्चा, वाई की वैल्यू पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है, वाई की वैल्यू। ये जो एफ एक्स है इसको वाई भी तो लिख सकते हैं, मतलब ये जो लिख दिया गया है इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ पाए, क्या ये बात बेहतर तरह से समझ पाए। अरे यार y = fx के होता है। अब देखो y = fx के, ये किसी ने, एक बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया था कि y = fx के कैसे होता है। देखो ये यहां पर एक सिंगल एलिमेंट है x, ये मैपिंग f से इधर ट्रांसफर होगा। यहां पर एक एलिमेंट है y, सिंगलटन सेट ये भी है, सिंगलटन सेट ये भी है। x इस जब f से होता हुआ जाएगा तो यहाँ पर fx बना देगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, जबकि हम ये बता करके आए कि सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट है तो ये बात तभी सही होगी जब ये दोनों क्या हो चुके होंगे, इक्वल हो चुके होंगे। यानी यहाँ से y = किसके आ चुका है, fx के आ चुका है। तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, किसकी वैल्यू जनरेट करना है, y की वैल्यू जनरेट करना है। इसलिए y को इंडिपेंडेंट कर दो, x को डिपेंडेंट कर दो, x - 1। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। अब देखो मैंने आपको सिखा रखा है कि जो रेंज होता है वो एक्चुअली डोमेन पर निर्भर करता है। क्या कहा,
रेंज जो होगा वो किस पर, डोमेन पर निर्भर करेगा, डोमेन कुछ सर्टेन कंडीशंस पर निर्भर करेगा, जैसे कि यहाँ पर डोमेन निर्भर कर रहा था कुछ सर्टेन कंडीशन पर, जैसे कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, जैसे कि फंक्शन कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, इन सब चीज़ों पर। यहाँ पर जो रेंज निकालना है वो किस पर डिपेंड करेगा, डोमेन पर। डोमेन अभी हमने निकाला है इसका क्या है, ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल्स टू वन। इसका मतलब बच्चा क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वाई स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल्स टू वन, देन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, देन वाई इज ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि वाई जीरो से बड़ा है। भैया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और इस तरीके से जनरेट हो चुका है क्या, रेंज। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हालांकि आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे लगता तो नहीं है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या हम सीख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है fx is equal to mod of x minus 1 पूछ रहा है डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। हाँ भैया ऋषि, आपके लिए क्वेश्चन है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और जल्दी से बता देंगे कि इसका डोमेन ऑफ f क्या है। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि डोमेन की डेफिनेशन क्या है, और इसके बाद में आप बताएंगे कि डोमेन मतलब फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफाइन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ बच्चा इसमें हम रेंज को डिस्कस करने चल रहे हैं, लेकिन डोमेन तो बताना ही पड़ेगा। यार इसी काम करो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर दे दो, क्योंकि अभी डोमेन की जरूरत पड़ेगी। रेंज निकालना चाहते हैं, रेंज क्या करते हैं, रेंज जनरेट करना चाहते हैं। रेंज जनरेट करने के लिए एफएक्स को हमें वाई से रिप्लेस कराना होगा, यानी यहां से हमको पता चल रहा है कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो यार, तुमको पता है कि मॉडुलस इसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये देख रहे हो मॉडुलस। मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। मॉडुलस का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। यहाँ पर कुछ भी रखो, जो आउटपुट आएगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वाई हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक समय पर जीरो भी हो सकता है, अगर एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, वन आ जाए। तो इसका मतलब वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वाई पॉजिटिव है, वाई जीरो है। तो ओवरऑल अगर हम पूछें कि वाई बिलोंग करेगा किसको, तो आप कहेंगे जीरो टू इन्फिनिटी। क्या कहा, जीरो टू इन्फिनिटी। क्या चीज़ों को बेहतर तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, क्या चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो लास्ट क्लास जब हम लोग लाइव थे तो मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई थी, डोमेन निकालने का तरीका फंक्शन के अकॉर्डिंग बदलता है, रेंज निकालने का तरीका फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया था, वाई को इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट किया, फिर देखा वाई को क्या क्या दे सकते हैं। इस बार वाले में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जानते हो क्यों, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है। उस क्वेश्चन में क्या था, वो शायद सिंपली एक इरेशनल फंक्शन था, इसलिए। तो जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा वैसे वैसे हमारी स्ट्रेटेजी भी बदलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, थोड़ा सा खतरनाक टाइप से फंक्शन लिखा गया है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों का तो काम ही है कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा आसान कर देना। हाँ ये देखिए भैया ऋषि, लास्ट क्लास में आप पूछ रहे थे कि ये क्या है, तो ये डोमेन है। मतलब इस सवाल में तुमको डोमेन दे दिया गया है, रियल नंबर आर के अंदर जा रहा है, यानी डोमेन के लिए मैं कुछ करना ही नहीं है। सवाल को आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पता चल रहा है कि रेंज जनरेट करना है, हालांकि मैंने देख लिया रेंज जनरेट करना है। ठीक है भैया, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, वाई के प्लेस पर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हमें रेंज देखो निकालना है, अब जरा ध्यान से समझना, रेंज जनरेट करना है। यहां से आपको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसको इधर ट्रांसफर करना है, इक्वल्स टू माइनस वन, सॉरी माइनस का वाई। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन किया, माइनस वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, थोड़ा सा ये निगेटिव को पॉजिटिव करो तो ये तुमको दिखाएगा वन माइनस वाई। यहां से आपको देखने को मिलेगा वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब जरा ध्यान से समझना, रूट के अंदर अगर वैल्यू है तो रूट के अंदर ये वैल्यू अगर है तो ये कैसी रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। क्या इसमें कभी 1 माइनस वाई जीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर वही जीरो हो जाएगा फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, इसलिए 1 माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ कि वाई डज नॉट इक्वल टू वन,
y कभी भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां से देखो y अपॉन 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0 है, ये आंट मेथड होता है, इसके बारे में फिर बाद में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, वरना ये लंबा समय लेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बच्चा बुक्स में है नहीं, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन या तो जीरो हो रहा होता है या फिर नॉट डिफाइंड। जीरो हो जाएगा अगर वाई को जीरो कर दिया जाए, ये डिनोमिनेटर को जीरो कर दोगे तो नॉट डिफाइंड। यहाँ नहीं, वन माइनस वाई को जीरो करने पर आपको वाई इक्वल्स टू वन देखने को मिलता है। क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर हमेशा असेंडिंग सिस्टम पर रखते हैं, यहाँ से इस तरीके से वर्टिकल लाइंस आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है, जीरो से एक छोटा नंबर लेना है, कोई भी एक नंबर जो तुम्हारी इच्छा करे, माइनस वन ले लिया, मेरी इच्छा माइनस वन की, तो वाई इक्वल्स टू माइनस वन ला करके रख दो, माइनस वन अपॉन माइनस माइनस वन, कुल मिलाकर के माइनस का वन अपॉन टू देखने को मिलेगा। माइनस वन अपॉन टू बच्चा कैसा है, लेस देन जीरो है, हमारे पास साइन कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये बेकार हो गया। एक काम करो, जीरो से वन के बीच में एक नंबर ले लिया, वन बाई टू रख दो, वन बाई टू अपॉन वन माइनस वन बाई टू, तो वन बाई टू अपॉन वन बाई टू क्या मिलता है, वन। हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, साइन देखना है, वैल्यू कैसी है बच्चा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव ही है, आंसर आ चुका है। दूसरा वाला चेक करोगे वो हमेशा नेगेटिव ही जाएगा, क्योंकि ये इसकी खास बात होती है कि अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव तो तीसरा पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव फिर तीसरा नेगेटिव, मतलब अल्टरनेट क्रम पर ये चल रहे होते हैं। यहाँ से हमको बच्चा क्या पता चलता है, यहाँ से हमको पता ये चल जाता है कि ये जो वैल्यू अभी हमें देखने को मिल रही है, हाँ ये, यानी ये जीरो से ले करके हमारा जो सोल्यूशन है वो हमको पता चल गया है कि वो इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, ये दो वर्टिकल लाइंस किससे बाउंड है, जीरो से लेकर के वन के बीच में बाउंड है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वाई कभी भी वन हो नहीं सकता है, तो वन कभी फिल नहीं होगा, इसका मतलब कि अगर हम इसे रेंज निकालने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है जीरो टू वन, वन के लिए ओपन इंटरवल, जीरो के लिए क्लोज इंटरवल। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, देखते हैं बच्चा नंबर सेवन को। अब इस क्वेश्चन में देखो, जो अभी बताया इसमें फिर से रेंज निकालने का तरीका बदल गया, क्यों बदला, रेंज निकालने का तरीका क्यों बदला, क्योंकि बच्चा यहाँ पर फंक्शन बदल गया है। अब इस बार जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, वो एक्चुअली फंक्शन रेशनल फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर तरीका बदल गया, तो रेंज निकालने का कोई यूनिक मेथड नहीं होता है। अगर सच में आप डोमेन और रेंज पर कमांड करना चाहते हैं तो फिर आपको फंक्शन को बहुत डीप में जाना पड़ेगा, फंक्शन को बहुत कायदे सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो फिर रट्टा मारो, क्वेश्चन कहीं दूसरी बुक से आ जाएगा तो फिर आप अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, यार खुद से ही कर लोगे, क्वेश्चन नंबर सेवन आप खुद से ही कर लेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं एलजेब्रा ऑन फंक्शंस, क्या कहा, एलजेब्रा ऑन फंक्शंस। अगर एफ प्लस जी एक्स है तो ये बना देता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स अगर है तो ये बनाता है एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स अगर है तो ये बना देता है एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब इसी के साथ में एफ बाई जी एक्स अगर है तो एफ एक्स अपॉन जी, ये रहा, ये चार चीजें आपके पास हैं, एफ एक्स और जी एक्स दे दिया गया है, यार कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यूज को पुट कर देना है। आप कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में तो एफ प्लस जी दिया गया तो एक्स अपनी तरफ से लगाओगे, वो अंडर स्टूड है, क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात समझ पाए, वो अंडर स्टूड है कि फंक्शन ऑफ एक्स चल रहा है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेवन तक ही रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो यार एक एक क्वेश्चन से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन ये नंबर सेवन तक बताना मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि डोमेन और रेंज को मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था, आप शायद नहीं भी लगा पाते अगर मैं बोलता भी, अगर थोड़ा सा और कमांड करने थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बहुत जल्द रिलेशन एंड फंक्शन एक ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो फिर वहाँ पर जो लोग सीखना चाहें वो लोग सीख सकते हैं, वहाँ से आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।